सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए NHM की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर CHO और DEO के खाली पदों को भरने के लिए बंपर भर्ती करने जा रहे हैं। 388 खाली पद हैं जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया के वैकेंसीज हैं। आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। पोस्ट के नाम है CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी के अंतर्गत, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DO। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ होंगी, जैसे कि CHO आयुर्वेदा के लिए 279 वैकेंसीज है, CHO होम्योपैथी के लिए 39 वैकेंसीज है, CHO यूनानी के लिए 8 वैकेंसीज है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 62 वैकेंसीज हैं। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 388 वैकेंसीज हैं जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो CHO की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास BAMS की डिग्री और या फिर BHMS की या फिर BUMS की डिग्री होनी जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास BTech की डिग्री होनी जरूरी है CSIT, BCA या फिर VSC के अंतर्गत। आयु सीमा आपकी 21 से 40 साल के बीच में रखी गई है। सैलरी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पे कर दी जाएगी। फीस आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है mponline.gov.in। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022 है। तो दोस्तों, ये थी NHM की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और कितनी आयु सीमा आपकी रखी गई है। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट में 1x1 करके प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आप यहां से रीड कर सकते हो। पूरी डिटेल यहां से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए पोर्टल भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए MP Online Limited का ऑनलाइन पोर्टल है। इसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहीं पर आपको अदर डिटेल्स के लिए भी पोर्टल प्रोवाइड कराया गया है, यहां से भी आप बाकी की डिटेल इस भर्ती से रिलेटेड रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।